हाय गाइस, आई एम बैक। सो सबसे पहले यार आप लोग ना अपना हाल चाल बताओ। सब बढ़िया, मस्त, मजे से, चकाचक। मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल बेटर हूँ। आप लोग मेरी आवाज से, मेरे चेहरे से, मेरी बातों से आप देख ही सकते हो कि मैं पहले से मच बेटर हूँ। तो पिछले 2.5-3 महीने से ना मैं पूरे सोशल मीडिया से गायब हो गई थी, लाइक यूट्यूब से भी, इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी, हर जगह से। और काफी लोग वरिड थे, परेशान थे, मुझे DMs भी कर रहे थे, ईमेल्स भी कर रहे थे, एंड कमेंट्स में मैं भी देख रही थी कि लोग काफ़ी परेशान हैं कि भाई क्या हो गया शिवानी, अचानक से व्लॉग्स बनाने बंद कर दिए, इफ़ आई एम ऑल राइट, सब ठीक तो है, वापस आओ। तो आज की जो वीडियो है ना, मेरे उन्हीं वेल विशर्स के लिए है जो लोग मेरे लिए चिंतित थे, वरिड थे कि भाई क्या हो गया अचानक से, क्यों मैं गायब हो गई। तो आज के इस वीडियो में मैं ये सारी अपडेट्स आप लोगों को दूंगी कि एक्चुअली मेरी जिंदगी में क्या क्या भूचाल मचा, क्या क्या हुआ एंड ऑल। सो आई एक्चुअली हिट अ डिप्रेसिव फेज। और जो ये डिप्रेशन होता है ना, ये कोई कुछ दिनों का खेल नहीं होता या कुछ महीनों का गेम नहीं होता, ये सालों से बिल्डअप होता आता है। हम लोगों को पता भी नहीं होता कि डिप्रेशन में है हम या डिप्रेशन की शुरुआत हो गई है, और ये धीरे 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 बिल्डअप होता रहता है। और एक आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो, एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाते हो, जहां पर फिर आपको एकदम से आपके माइंड में एकदम से ब्लास्ट, बूम, ऐसे हो जाता है। एंड या मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं काफ़ी सालों से डिप्रेशन में चल रही थी, बट मैं डिप्रेशन के साथ भी डील कर रही थी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा रही थी, सब कुछ कर रही थी, और आप लोगों के सामने हंसते हंसते मतलब वीडियोस भी बनाती थी, बिकॉज आई कांट क्रिप ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, राइट। सो ये भी एक प्रेशर होता है कि जब आप सैड हो लेकिन आपको कैमरा के आगे खुश रहना है और आपको अपने खुशी के पल दिखाने हैं, लोगों के साथ शेयर करने हैं, चाहे आप कैमरा के पीछे आप पता नहीं चाहे लाइक कितनी ही प्रॉब्लम्स के साथ क्यों ना जूझ रहे हो, यू कांट क्राई ऑल द टाइम। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। डिप्रेशन में मैं कैसे आई, कब आई, इससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैं ये वीडियो ना मेरी वही लोग रिलेट कर पाएंगे या वही लोग समझ पाएंगे जो एक्चुअली में डिप्रेशन में हैं या डिप्रेशन में रह चुके हैं, वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बट ट्रस्ट में, जो लोग कभी भी आज तक डिप्रेशन में नहीं रहे हैं, तो भगवान ना करे कभी आप डिप्रेशन में आओ, बट जिंदगी में ना हर कोई इंसान एक ना एक बार तो एटलीस्ट डिप्रेशन में आता ही है। एक ना एक टाइम मतलब ऐसा आता है जब आप ये डिप्रेसिव फेस हिट करते हो, और हो सकता है आप डिप्रेशन में हो भी या शुरुआत भी हो गई हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हो, है ना। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर इन डिप्रेशन। तो जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको बहुत सैडनेस ही रहती है, लाइक आप खुशियों से, हैप्पीनेस से तो कोसों दूर होते हो, आपको अंदर ही अंदर एक अलग ही तरह की सैडनेस होती रहती है। आप सेटिस्फाइड नहीं होते कभी भी चीज़ों से, अपनी लाइफ से, और आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, खालीपन सा महसूस होता है, बहुत लोनली फील होता है, आप लोगों से कट ऑफ कर देते हो, पूरा अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, आपके साथ एंगर इश्यूज हो जाते हैं, आपको बहुत गुस्सा आने लग जाता है, आपको एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक्स बढ़ते हैं, ऐसे एकदम से दिल घटने स्टार्ट हो जाता है, आपका बिन किसी बात के रोने का मन करता है जोर जोर से, आपको बहुत या तो आपको भूख नहीं रहती बिल्कुल भी और आपका वेट लॉस हो जाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा जंक फूड की क्रेविंग्स होती हैं और आप बहुत जंक फूड खाते हो जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, जैसे मेरे केस में हुआ, और आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हो, बहुत टायर्ड फील करते हो। मेरा तो ऐसा हाल था कि मुझे रूम से डाइनिंग टेबल तक भी आने का मन नहीं करता था, हिम्मत नहीं पड़ती थी, और मैं मतलब घर में रह करके एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया था, और मैं चार चार पाँच पाँच दिन नहाती तक भी नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस करती थी। तो आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो और आप ज़िंदगी में ना हारा हुआ फील करते हो, आप यू फील लाइक कि यू हैव फेल्ड। आप बहुत अपने आप को कोसते हो, जो भी आपके पास्ट में आपने डिसीजंस लिए या मिस्टेक्स करी, या फिर जो भी आपके पास्ट रिलेशनशिप्स फेलियर्स होते हैं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हो और अपने
गिल्ट में आकर के आप अपने आप को कोसते रहते हो, अपने आप को ब्लेम करते रहते हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप मतलब ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस ना करो, आपका माइंड जो है ना वो एकदम थका हुआ फील होता है, आप प्रोसेस नहीं करना चाहते इसलिए आपको नींद आती है, आप सोना पसंद करते हो। तो बेसिकली ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो आपको नींद ज़्यादा आती है, बहुत थका हुआ महसूस करते हो, आप बहुत जंक फूड खाते हो, या कुछ भी नहीं खाते, या आप रूम में पड़े रहते हो, आपके कोई फ्रेंड्स नहीं रहते, आप बहुत अकेला फील करते हो, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, सारी दुनिया से कट ऑफ कर लेते हो, गिल्ट में रहते हो, खुद को कोसते रहते हो। और जब पूरी चीज़ों का एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है ना, मतलब एंग्जाइटी भी होती है कई बार, तो लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी है या मुझे डिप्रेशन है। तो एक्चुअली में डिप्रेशन में एंग्जाइटी भी होती है, आपको पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, आपका दिल ऐसे एकदम से घटता है। मुझे तो रात के 3-3, 4-4 बजे उठ करके मैं मतलब सांस आने बंद हो जाती थी, तो मैं ऐसे छत पे चली जाती थी सांस लेने। एंड ये सब चीज़ें जब एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुँच जाती है तो आपको फिर सुसाइडल थाट्स भी आते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार इस दर्द से झेलना मतलब इतना आसान नहीं है, इससे ज़्यादा मरना इजी लगता है आप लोगों को, और फिर आप सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी मतलब करते हो। तो मैं ये सारे फेसेस से गुजर चुकी हूँ, लाइक अभी तो मैं बहुत निकल गई हूँ, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% इस सब चीज़ों से बाहर निकल गई हूँ, बट या ऑलमोस्ट लाइक मैं आई एम बेटर देन बिफोर। बट जो मेरी पहले हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत गंदे वाले डिप्रेशन में थी मैम। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर आपको इसमें से 2-3 सिम्टम्स भी है ना, तब भी आप ये सोच लो कि आपकी जो डिप्रेशन का जो इनिशियल फेज़ है वो स्टार्ट हो गया है। तो या बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर तो फाइनेंशियल जो प्रेशर होता है आपके ऊपर, जो भी आपके फैमिली का हेड ऑफ़ द फैमिली होता है ना, जिसको आपके परिवार में 2 वक्त की जो रोटी है वो कैसी आएगी, जिस उस बात की टेंशन होती है, उसको डिप्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मोस्टली केसेस में मतलब वो इंसान डिप्रेशन में होता है। तो मैं भी अपनी फैमिली का, चाहे मैं छोटी हूँ बच्ची हूँ, लेकिन स्टिल आई एम दी यू नो हेड ऑफ माई फैमिली, तो मेरे घर में 2 वक्त की रोटी कैसे आएगी उसके बारे में भी मुझे ही सोचना है, मुझे ही टेंशन लेनी है। तो ये सारा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई। तो मेरा जो डिप्रेशन वाला ये फेज़ था ये स्टार्ट हुआ 2020 में। तो एक्चुअली मैं 2020 तक मेरा करियर ना ऐसे था, लाइक यू नो आई वॉज ग्रोइंग, आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ, और मैं लाइक यू नो घर खरीद लिया, होम लोन पे कर लिया, एजुकेशन लोन पे कर लिया, एप्पल के गैजेट्स खरीद लिए, लाइक आई वॉज डूइंग एवरी थिंग एंड आई वॉज इन्जॉइंग माई लाइफ, और करियर बहुत अच्छा चला हुआ था। लेकिन देन मुझे अचानक से एक कीड़ा काटा ट्रैवलर बनने का, एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रैवलर। एक्चुअली मैं जब हम घूमने फिरने जाते हैं ना थोड़ा सा यू नो इन्जॉय करने के लिए, वो चीज़ अलग होती है, लेकिन जब आप एक ट्रैवलर बनना चाहते हो या बनते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको आइटनरी प्लान करनी है, आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है, आपको जॉब के साथ साथ लीव्स भी मैनेज करनी है, फंड्स भी मैनेज करनी है, तो वो भी एक प्रेशर होता है। 2020 तक मेरे को जो प्रेशर था वो सिर्फ जॉब का था। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, कोडर, प्योर कोडर प्रोग्रामर हूँ। तो जो प्रोग्रामर हैं कोडर हैं वो लोग समझ पाएंगे कि भाई कितना प्रेशर होता है। मुझे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती है, सपने में भी लॉजिक्स चले हुए होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस एंड फॉर लूप्स एंड ऑल ये सब चला हुआ होता है दिमाग में, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है ये जॉब। ठीक है, तो ये जॉब ऑलरेडी हेक्टिक थी और उसके साथ में बन गई ट्रैवलर, यहाँ तक भी ठीक था, आई वॉज एबल टू मैनेज एवरीथिंग। बट उसके बाद मुझे एक और कीड़े ने काटा और मैं बन गई यूट्यूबर। अब यूट्यूबर बोलने में, सुनने में, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मैं सारे रोल्स एक सिंगल पर्सन सारे रोल्स अदा कर रही थी, मैं ही कंटेंट अपना प्लान करती थी, आई वाज अ कंटेंट प्लानर, आई वाज वीडियोग्राफर, आई वाज एन एडिटर, आई वाज अ डायरेक्टर, लाइक सारे के सारे रोल्स मैं खुद से अदा कर रही थी,
along with my job, right? तो यहाँ तक भी like okay था. यहाँ पे जैसे मैं YouTube में आई तो मेरा जो करियर ऐसे चला हुआ था ना, वो ऐसे हो गया, लाइक कॉन्स्टेंट हो गया. तो यहाँ तक फिर भी ठीक था, ओके था. लाइक देखने वालों को तो बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये यूट्यूबर है, ये ट्रैवल भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, अर्न भी कर रही है. बट उसके बिहाइंड जो पेन था, प्रेशर था, वो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ उसके पीछे. और मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं किया. तो मैं 9 to 10 hours, समटाइम्स 11 to 12 hours भी हो जाते थे जॉब करते करते, और उस जॉब के साथ देन ट्रैवल करना, एंड उसके साथ आपको अपने यूट्यूब के यू नो वीडियो शूट करनी, एडिट करनी, कंटेंट प्लान करना, सब कुछ. तो ये सब कुछ एक पर्सन को सिंगल हैंडेडली जब मैनेज करना पड़ता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है. तो ये सारा प्रेशर आया जिसकी वजह से मैं अपने जॉब पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, अपने करियर पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से मेरा करियर हो गया कॉन्स्टेंट, स्टक हो गया. यहाँ तक भी ओके था, ठीक था. अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देती ना, तब भी शायद से चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती. बट देन मेरा दिमाग खराब हो गया, भ्रष्ट हो गया, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई. और पता नहीं क्या कौन सी पनहोती आ गई मेरी जिंदगी में, कि मैंने सोचा एक बिजनेस वूमन बनने का. मैंने सलोन खोला अपनी मम्मा के लिए, सोच करके ये खोला कि ये मम्मा के लिए है बिजनेस एंड मम्मा करेंगे इसको बिकॉज उनको एक्सपीरियंस है एंड ऑल. बट मम्मा तो सिर्फ अंदर का देखते थे. जब एक्चुअली मैं बिजनेस खुला, आई इन्वेस्टेड मोर देन 20 lakhs इन दिस सलोन. और यस, 20 lakhs से ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट किया इसमें, एक प्रीमियम सलोन बनाया मैंने. और मम्मा तो सिर्फ अंदर का देखते थे, लाइक स्टाफ मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, अंदर की जो मैनेजमेंट है. लेकिन जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है ना, वो मुझे करनी पड़ती थी, जैसे कि HR, रिक्रूटमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस, देन पैकेजेस वगैरह, या फिर बोर्ड, ये सब कुछ डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो ये सारी चीज़ें अब मैं खुद से अकेले हैंडल कर रही थी. अब आप सोचोगे, आप बोलोगे कि तुमने कोई टीम क्यों नहीं रख ली, तुमने कोई लोग क्यों नहीं रख लिए. भाई अगर मैं किसी को रखती हूँ तो उसके उसको पे करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना. अब बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो आप अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखने की कोशिश करते हो. आप जब कम रखने की कोशिश करते हो तो बहुत सारे रोल्स आपको खुद से निभाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, अदा करने पड़ते हैं. तो अब इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए था, या तो मैं फुल टाइम जॉब कर लेती, या मैं फुल टाइम यूट्यूब कर लेती, या मैं फुल टाइम बिजनेस कर लेती, तब ठीक रहता है. बोलते हैं ना कि आप एक टाइम पे दो नाव पे पैर नहीं पसार सकते, क्या बोल रहे हैं, दो नाव पे पैर नहीं रख सकते, वरना आप डूब जाओगे, है ना. मैंने तो दो भी नहीं यार, मैंने तो तीन नावों पे पैर रखे हुए थे. पैर तो मेरे दो ही हैं, लेकिन तीन नावों पे पैर रखे हुए थे, लाइक यूट्यूब, जॉब एंड बिजनेस. और मैं तीनों को पैरेलली करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज जॉब से मेरी स्टेबल इनकम थी, तो मैं जॉब को किसी भी हाल पर रिस्क पे नहीं डालना चाहती थी. इसलिए मैंने सोचा कि बिजनेस एंड यूट्यूब में पैरेलली करती रहूँ. और ये मिस्टेक की वजह से जो मेरा करियर कॉन्स्टेंट था, अब मेरा रैम्प डाउन होने लग गया, लाइक यू नो ग्राफ ऐसे जाने लग गया. तो मेरे YouTube में भी ग्राफ ऐसे गया, मेरे जॉब में भी ग्राफ ऐसे गया, मेरे बिजनेस में भी ग्राफ ऐसे गया, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई. यार मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, लाइक कोडर हूँ, प्योर कोडर. उसके साथ मैं लाइक एडिटर, वीडियोग्राफर, डायरेक्टर, कंटेंट प्लानर ये भी हूँ, अपने YouTube भी कर रही हूँ. एंड उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, जिसमें मैं लाइक यू नो इतने सारे रोल्स देख रही हूँ, फाइनेंस मैनेजमेंट, HR, रिक्रूटमेंट एंड ऑल एवरीथिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कुछ. तो आप खुद देखो कि भाई एक नन्ही सी जान इतना कुछ कर रही थी. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी. अब स्ट्रेस, जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है ना, तब आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है. लाइक ट्रस्ट मी, पहले मैं बहुत हेल्थ फ्रीक हुआ करती थी, पहले मैं बहुत फिटनेस फ्रीक होती थी, बहुत ध्यान रखती थी अपनी हेल्थ का, बहुत लाइक यू नो ट्रैकिंग पे जाती थी, जिम करती थी, स्विमिंग करती थी, लॉन टेनिस खेलती थी, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहती थी जब मेरा यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं हुआ था. लेकिन जब मुझे ये सारा कुछ करना पड़ता था ना, लाइक बिजनेस, यूट्यूब, जॉब, तो फिर
मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया और इवेंचुअली मेरी हेल्थ भी डाउन हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहने लगी। अभी तो रिसेंटली मुझे किडनी स्टोन की पेन भी पड़ती थी एंड उसकी वजह से पूरी किडनी में यूरेटर में स्वेलिंग थी और यूटीआई भी हो गया था मुझे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, पर्सनल प्रॉब्लम्स जो कि मैं इनफैक्ट यू नो कैमरा के सामने बता भी नहीं सकती, शेयर भी नहीं कर सकती। तो जब मेंटल हेल्थ ही मेरी अच्छी नहीं थी तो फिजिकल हेल्थ भी मेरी डाउन हो गई और उसके साथ साथ सब कुछ मेरा ग्राफ ऐसे चला हुआ था, सब कुछ डूब रहा था। मैंने बिजनेस में 20 लाख से भी ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और जब मैं कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी तो मेरा लॉस हो गया, लाइक 15-20 लाख का तो लॉस ही हो गया। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि लाइक मैंने सलोन में 40 से 50 लाख वेस्ट कर दिए। अब आप सोचो कि 40-50 लाख छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। मतलब लोगों की ज़िंदगी लग जाती है यार इतना सेव करने के लिए, पूरी ज़िंदगी। और मैं तो अभी छोटी हूँ, तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार, और इस उम्र में मैंने इतने पैसों का सिर्फ नुकसान ही कर दिया, गवा दिए पैसे। उसके साथ साथ फिर मुझे ये भी टेंशन होने लगी कि भाई अब मेरे घर में दो वक्त की रोटी कैसे आएगी, इतना लॉस हो गया, हर चीज़ में रैम डाउन हो रहा है, बिजनेस भी ठप, जॉब भी ठप, सब कुछ, तो अब कैसे होगा। लाइक यू नो मेरे को, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नाना नानी की, मम्मी की, घर की, सबकी बिल्स पे करने हैं, फिर राशन पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुद का भी देखना है। मैं बहुत, मेरा हाथ टाइट हो गया, आप मानोगे नहीं, पिछले एक डेढ़ साल से मैंने लाइक यू नो शॉपिंग भी नहीं करी थी, बहुत ही ऐसे हर बार हर महीने मेरा हाथ टाइट हो जाता था, बिकॉज इधर से सैलरी आती थी उधर मैं सलोन में लगा देती थी। तो ये सब चीज़ें जब एक साथ हो गई, और इसके साथ साथ यू नो व्हेन यू आर इन डिप्रेशन यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके साथ साथ अगर आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं है ना, अगर आपको सच कहूँ मैं, रिलेशनशिप्स सक लिटरली, ये ट्रूथ है। आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे यहाँ पर जो लोग मैरिड हैं या कुछ हैं, बट लिटरली कह रही हूँ, आप या तो शादी कर लो, घर संभाल लो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लो, वो रोल अदा कर लो, या तो आप ये सब देख लो, यू नो करियर, पैसा, गोल्स, ये सब देख लो। मैं तो फेल हो गई, लाइक मैं तो नहीं दोनों चीज़ें एक साथ देख पाई बिल्कुल भी। आप एक टाइम पे एक ही जगह पे फोकस कर सकते हो, दोनों जगह पे नहीं मैनेज हो पाता है। मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई जहां पर मैं पूरा यू नो फट गई, मेरा दिमाग पूरा से फट गया, बूम ब्लास्ट हो गया। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। सो आई टुक अ ब्रेक नॉट ओनली फ्रॉम सोशल मीडिया, आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया लाइक YouTube, Instagram, Facebook, हर जगह से गायब थी। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम पीपल, मैंने Instagram पे सबको अनफॉलो कर दिया, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे सबके साथ यू नो कट ऑफ कर दिया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया बिल्कुल बंद कमरे में। आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, पिछले दो महीने से बेंच पे हूँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा मैंने, एंड अभी विदाउट पे पे भी चल रही हूँ। I took a break from my business also. वहाँ पर भी मैं एक्टिव नहीं हूँ, वहाँ पर जितना बस थोड़ा बहुत रनिंग है, जितना मेरे मम्मा देख पा रहे हैं बस वो देख रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। सो बेसिकली आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग यार। सॉरी, एक्चुअली बैटरी खत्म हो गई थी कैमरा की, तो मैं जो भी कह रही थी मेरा पूरा फ्लो कट गया, टूट गया। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि आई वॉज इन डिप्रेशन, और डिप्रेशन में आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे, लाइक हर जगह से मैं मेस्ड अप थी, और ये रीज़न था कि आई हैड टू टेक अ ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। और या लाइक आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये ब्रेक तो बनता था ज़िंदगी में। एंड सिंस आई एम फीलिंग बेटर नाउ, तो मैंने अब डिसाइड कर लिया है कम बैक करने का। तो जो मेरे हेटर्स हैं, जो लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि चलो आफत गई सोशल मीडिया से, तो भाई थाम्बो, यहीं पे हूँ मैं अभी नहीं, मैं इतनी जल्दी जाने वाली। तो यस, दैट वॉज ऑल अबाउट
माय लाइफ अपडेट्स। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, नहीं उससे पहले मेरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है यार, मैं कैसे भूल गई, क्रिसमस है। और देखो मेरे लाइक यू नो नाइट सूट में बैठी हूँ, कोई प्लान्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मस्त लाइफ निकल रही है मेरी, कट रही है। तो दैट्स ऑल गाइज, अभी भी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, अब धीरे धीरे अपडेट्स दूंगी ना, एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया तो आप लोग फिर कहाँ देखोगे मेरी वीडियोस, है ना। तो अभी और भी यू नो बैड न्यूज गुड न्यूज है मेरे पास देने के लिए, लेकिन ना 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 इस वीडियो में नहीं, उसके लिए आप लोगों को मेरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वेट करना पड़ेगा, और वो सब मैं अपडेट्स दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर, बाय बाय, टाटा।